ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पानीपत में शुरू हुआ 1 करोड़ का इनामी दंगल। इस दंगल में 8 राज्यों के 80 खिलाड़ी हुए शामिल। दंगल में नामी पहलवान हुए शामिल। हरियाणा से साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, पूजा ढांडा और मौसम खत्री पहुंचे। इस प्रतियोगिता में 1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख व 10 लाख के इनाम राशि दी जाएगी, जिसके चलते महिला व पुरुष के अलग अलग किलो वर्ग में मुकाबला होगा। पहली कुश्ती बजरंग पुनिया ने रोहित दिल्ली को 13-5 के मुकाबले से जीती। दंगल गर्ल साक्षी मलिक, पूजा हुड्डा ने की जीत दर्ज। सरकार की इस पहल का खिलाड़ियों ने भी किया स्वागत। सबने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से खिलाड़ियों का बढ़ेगा हौसला। साथ ही कहा कि सरकार की नीति के चलते फेडरेशन करने लगी हर प्रकार का सहयोग। सभी खिलाड़ियों ने बताया आगामी सपना देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड हासिल करना है। लेकिन कुश्ती दंगल के आयोजन में एक खामी जरूर नजर आई कि कुश्ती दंगल में फ्लोर पर महिला रेफरी नहीं दिखाई दी। जब इस बारे में गोल्डन गर्ल साक्षी मलिक से पूछा गया कि दंगल के फ्लोर पर महिला कुश्ती खिलाड़ियों के लिए महिला रेफरी की मांग अब तक क्यों नहीं उठाई गई, जबकि पुरुष रेफरी ही महिला कुश्ती खिलाड़ियों की कुश्ती शुरू होने से पहले छानबीन करते दिखाई दिए, जिसके चलते इस बात को साक्षी मलिक ने भी कहा अगले कुश्ती दंगल में इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार के सामने सवाल उठाया जाएगा। देखिए, मैंने इस दंगल में 57 किलो भार वर्ग में अपनी दावेदारी पेश कर रही हूँ और मैंने रेलवे की सरिता मोर को भी हराया। लगभग मुझे 15 साल हो गए हैं कुश्ती करते हुए और कुश्ती मैंने हिसार से शुरू की थी। मेरे फादर थे, उनका खुद का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। हाँ जी, देखिए ओलंपिक का सीज़न आ चुका है और हम सभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इसको लेके और तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है शेड्यूल पे ध्यान दिया जा रहा है कि कौन सा शेड्यूल हमने फॉलो करना है और फॉरन ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें कि हमारे साथ जो है पूरी टीम ट्रैवल करती है, जिसमें हमारे फिजियो और मैशोर अच्छे कोचेज और बहुत से बाहर से कोचेज हमारे लिए बुलवाए गए हैं ताकि इस बार जो मेडल है उसकी तालिका ज्यादा हो सके। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट।